everyone, welcome back to my channel. This is me Shiny and welcome back to yet another get unready with me video. मैंने इस मेकअप लुक को किस तरह से क्रिएट किया है वो ऑलरेडी शेयर किया है आप लोगों के साथ. आई बटन पर मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी. फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इस मेकअप लुक को किस तरह से रिमूव करूंगी एंड मैं अपना स्किन केयर रूटीन किस तरह से करूंगी. ये समर स्किन केयर रूटीन है. ऑन अ डेली बेसिस में इतने सारे स्टेप्स तो नहीं फॉलो करती मैं. वीकली ट्वाइस या वंस अ वीक मैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करती हूँ, लेकिन जो CTM रूटीन होता है ना वो मेरा यही सेम रहता है. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें and don't forget to check my description box for all the purchasing links. I have purchased all the products from Amazon. Amazon भी अभी चल रही है Amazon Wardrobe Refresh Sale from 1st of June till 6th of June. Shop now and get 50 to 80% off on top fashion and beauty brands. 1000 plus top brands, great prices, unbeatable deals on more than 4 lakh styles. In fact, आपको फर्स्ट ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी भी मिलेगी. 30 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी है एंड पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है. सो व्हाट आर यू थिंकिंग, शॉप नाउ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे डिटेल्स सारे लिंक्स प्रोवाइड किया है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. फर्स्ट मैं अपने ज्वेलरीज को ओपन करूंगी बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो मैं अपने इयर रिंग्स को ओपन कर रही हूँ एंड देन आई विल बी वेयरिंग दिस स्किन केयर हेयर बैंड ताकि कोई भी हेयर फेस पर ना आए. देन मैं मेरिट विको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करूंगी टू रिमूव माय आई एंड माय लिप मेकअप, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कोकोनट ऑयल है और जैसे ही मैं इसे मेकअप रिमूव करती हूँ ना ये बिल्कुल मेकअप को मेल्ट कर देता है, वाटरप्रूफ मेकअप को भी. जैसे यहाँ पे मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल किया है, स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है, तो सारे मेकअप को इसने ईजिली मेल्ट कर दिया. ज़्यादा आपको हार्श नहीं होना है अपने स्किन के ऊपर. एंड देन लिपस्टिक्स में भी ये लिक्विड लिपस्टिक्स नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक्स को भी ईजिली रिमूव कर देता है. दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल दैट आई हैव एवर यूज. फिर मैंने गार्नियर का माइसिलर वाटर लिया है कॉटन बॉल में और उससे मैं जो भी मेकअप रेसिड्यूज एंड ऑल है सबको अच्छे से रिमूव कर दूंगी. मेकअप आपको अच्छे से रिमूव करना है बिकॉज कोई भी अगर रेसिड्यू रह जाती है आपके पोर्स में या आपके आईज पे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो मैं फिर से थोड़ा सा लेकर मैं अपने आईज में जो भी काजल एंड अगर मस्कारा का कोई भी लेफ्ट ओवर है तो उसे मैं अच्छे से रिमूव कर रही हूँ यहाँ पे. नेक्स्ट आई हैव यूज दिस फेस वॉश. ये AHA ग्लो एस फेस वॉश है. दिस इज सजेस्टेड बाई माई डर्मैट. तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं देन फर्स्ट कंसल्ट योर डर्मैट फर्स्ट एंड देन यू कैन यूज दिस. गेट अनरेडी विद मी वीडियो शूट कर रही हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स तो करना बनता ही है. ये मैं डेली बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं करती स्क्रबिंग और जो फेस मास्क वाला स्टेप रहेगा, बट ये मैं वीकली वंस डेफिनेटली करती हूँ. तो ये है एवर यूथ का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब विच इज़ वेरी गुड. तो मैं अपने नोज के साइड्स पर और अपने चिन एरिया पर ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं तो वहाँ पर मैं इसे अच्छे से स्क्रब कर दूंगी. इस तरह से आपको इसी टेक्निक को फॉलो करना है वाइल स्क्रबिंग बिकॉज दिस इज द बेस्ट टेक्निक जिससे कि ब्लैक हेयर्स व्हाइट हेयर्स रिमूव होते हैं. समर्स का टाइम है एंड टैनिंग भी होती है थोड़ी बहुत फेस पर, तो मैंने ये मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क अप्लाई किया है ऑल ओवर माय क्लीन फेस. इसके ऊपर मैं अलग से एक शॉर्ट रिव्यू शेयर करूंगी जो कि 2 या 3 मिनट के अंदर होगा, टू द पॉइंट शॉर्ट रिव्यू रहेगा. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. और फिर मैं अपने फेस को वॉश कर दूंगी एंड इंस्टेंटली यू ऑल कैन सी माई फेस इज लुकिंग सो क्लीन एंड सो रिफ्रेश्ड. डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम मैंने इस्तेमाल किया अपने फेस पर एंड मैं सिर्फ उसे थोड़ा बहुत डैब करूंगी अपने फेस पर. नेक्स्ट आई हैव यूज दिस ओजीवा क्रीम और ये एक्चुअली मेरी मम्मी इस्तेमाल करती हैं बट मैं भी कभी कभार इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसका फॉर्म्यूला इसका जो भी टेक्स्चर एंड ऑल है सब काफ़ी अच्छा लगता है. दिस इज़ वेरी लाइट वेट तो मैं डे टाइम में इसे इस्तेमाल करती हूँ एंड इंस्टेंटली माई फेस
लुक्स सो ग्लोइंग एंड सो जूसी एंड ड्यूई. तो इस तरह से मैं मसाज करती हूँ क्रीम को ताकि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए. एंड पूरे दिन में कभी कभार मैं काया का ये जो रिफाइनिंग मिस्ट है इसे मैं स्प्रे करती रहती हूँ ताकि फेस में हाइड्रेशन बनी रहे. कभी कभार मैं रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ इसी तरीके से. एंड दिस इज़ माई स्किन आफ्टर डूइंग ऑल द स्किन केयर एंड काफ़ी क्लीन रिफ्रेश्ड एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है ना जब आप एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. सो वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.